ये देखो रजनी, ये हमारा किचन है। वो तो दिख रहा है। ये चिमनी है, ये चूल्हा है और ये फ्रिज है। ये सब किचन में ही होता है। वाओ, कितनी इंटेलिजेंट हो तुम रजनी। थैंक यू, वो तो मैं हूँ। शर्मिला, अब ये सब फिर से बनाना पड़ेगा, मुझ में तो ताकत नहीं है। करेक्शन भाभी, ताकत और दिमाग दोनों नहीं है। मतलब? अभी पता चल जाएगा। यहाँ से कौन आया? भाभी पैसा दो जल्दी। होटल का खाना। शर्मिला तू तो एकदम जूनियर है। जूनियर नहीं भाभी, जीनियस। एनीवे, वो तो तुम्हें हुई। अब हम में से किसी को तो दिमाग चलाना था ना। बाहर आपने सब लोगों को कहा कि आप लोग खाना बनाओगे। ये खाना होटल से ऑर्डर किया हुआ है। कम ऑन रजनी, हमें देखे क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम खाना बनाने वाली बहू हैं? सुरजनी, हम आजकल के वर्किंग वुमेन में से एक हैं। किचन में आधी जिंदगी बिताने वाली औरतों में से नहीं है। हमारी सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं कि बहुएं घर में काम करें। अब ये तो मजबूरी है, इसलिए करना पड़ रहा है। और हाँ रजनी, अगर तुम वो पुराने खयालात वाली लड़कियों में से एक हो ना, तो आई एम सो सॉरी, तुम्हारा इस घर में बहू बनने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि टिपिकल हाउसवाइफ्स की कोई अहमियत नहीं है इस घर में। हाँ चलो सुनो, खाना बनने में जितना वक्त लगेगा उतने वक्त तक टाइम पास तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं को वीडियो दिखाती हूँ। आप क्या याद रखोगे मुझे? बहू ने सास की बिटाई वो वाला, मेरे पास तो पार्ट टू है। दिस इज रॉन्ग। मेरे लॉजिक बोर्ड के हिसाब से ये सोच ही गलत है। वर्किंग वुमन होना अच्छी बात है, हाउसवाइफ होना बड़े गर्व की बात है। वर्किंग वुमन दिन में 8 घंटों तक काम करती है, हाउसवाइफ 24 घंटों तक ड्यूटी पर रहती है, बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी फरियाद के। बाहर सब खाने का इंतजार कर रहे हैं, मुझे उन्हें खाना खिलाना है, बाहर का नहीं घर का बना हुआ। एक बात कहो, आप बिल्कुल सिंड्रेला लग रही हो जो घर का काम करती थी। और मेरी माँ और चाची सिंड्रेला की सौतेली बहन है जो बस टाइम पास करती रहती है। सिंड्रेला, खाना तैयार है। What the hell? Hell नहीं, हेलो। फोन को कान पे लगा के बोलते हैं। गोपी, ये देखो, होटल का खाना वैसे के वैसे ही है। शान के पापा ने कहा था उन्हें घर का खाना खाना है, मैंने ये खाना घर में बनाया, अब सब घर का खाना खाएंगे। आगी भाभी, कैसे? ये जो वीडियो हमने देखा था वो सिर्फ 15 मिनट का था। यू मीन टू से कि रजनी ने इतना सारा खाना 15 मिनट में बना लिया? हाय हाय हाय,
ऐसी खाने की खुशबू इस घर में पहली बार आई है। आ इचालवे भालो खूब भालो। आ हा हा, कितने महीनों बाद ऐसी पतली नरम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रोटियां खाने को मिली, वरना ऐश्वर्या तो वैसी कंबल जैसी मोटी रोटियां बनाती थी। सच में ऐसी खुशबू तब आती थी जब मेरी माँ खाना बनाती थी। अरे दादू पहले सब्जी तो टेस्ट कीजिए। अरे हाँ पता चला। अमृत अमृत अमृत, ये मटन कौन लाया घर पे? आंखें खोल के देखिए, ये मटन ही गोभी है। गोभी? अविश्वसनीय। ऐसी गोभी अगर मिल जाए रोज रोज तो शाकाहारी बनने में देरी कितनी लगती है। अरे मैगी तुम भी खाओ ना। अरे हाँ कपकेक, आओ आओ खाओ। हमें नहीं खाना। क्यों? क्योंकि खाना इतना भी खास नहीं है। अरे पर ये खाना तो तुम ही लोगों ने बनाया है ना। ये खाना इन्होंने नहीं बनाया है। झूठी नंबर वन। मैं झूठ नहीं बोल सकती, ये फीचर मुझ में डाला ही नहीं गया है। अरे ये तो वही बात हो गई, घर की मुर्गियां डाले बराबर। मतलब कुछ नहीं यार, हम क्या करने लग गए बकवास। हम यहाँ पर लेकर आए थे रजनी को अपने साथ खाना खिलाने के, उस बेचारी ने हमारे लिए खाना भी बनाया, हम बैठ के खा भी रहे, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। हाँ हाँ बैठ जाओ, यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना है कि जब तक बैठने को न कहा जाए खड़े रहो। है वो नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएगी भाई? अरे हाँ इतनी मेहनत की है, भूख तो लगी होगी ना। हाँ बैठो बैठो, खाओ खाओ, शर्माओ मत। वाह वाह, कभी ऐसे आप लोगों ने अपनी पत्नियों को कहा है बैठो बैठो खाओ खाओ? कभी कहा है आप लोगों को? नहीं ना। ओ तो तू बैठ जा पुत्र, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बैठो रजनी। ओ तू नानू छड़, मेरा मान रख, खा पुत्र। आज इसका उपवास है, फास्ट। फास्ट? तो जूस 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 तो पी सकती है। वाओ, जूस पीने के लिए भी भैया का परमिशन ले रही है, अविश्वसनीय। शान की तरफ से मैं परमिशन देता हूं, जा सिमरन जा, पी ले अपना जूस। लेफ्ट। नो 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 रजनी, नो, पानी पानी था अंदर रजनी। रजनी तुम जानती हो तुम जूस नहीं पी सकती, तुम्हारे सर्किट छूट जाएंगे। क्यों है भाई? क्यों है? थैंक यू, बहुत प्यास लगी थी अंकल। ये क्या किया तूने? जूस पिया और क्या। वेरी गुड देव, तू आ गया, तेरा ही वेट कर रहे थे। चल अपनी बहन रजनी को घर ले जाओ। क्या? मेरी बहन? हाँ तेरी बहन। रजनी देव की बहन है? आज तक तो कभी जिक्र भी नहीं हुआ कि देव की कोई बहन भी है, ये अचानक इतने सालों के बाद कहाँ से आ गई? हाँ वो बोल बोल ना। वो दूर की बहन है, इसीलिए टाइम लग गया आने में। हाँ मतलब ये हमारे नई चाची नहीं है? नहीं बेटा, ये तेरी भी कुछ नहीं है और मेरी भी कुछ नहीं है, और यही बात मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई मान नहीं रहा। देव तू रजनी को ले और
निकल। ये तो जाऊंगा शान, लेकिन खाने की खुशबू क्या आ रही है, थोड़ा खाना खा लेता हूँ ना। मानेगा नहीं। रजनी तुम देव को लेके जाओ अभी। ओके। अरे अरे खाना तो खाने दो। वाह कितनी आज्ञाकारी है, कितना प्यार है ना भाई बहन में। हाँ पर ये लड़की मुझे पसंद है, अगर ये तेरी बीवी है तो ठीक है, जब नहीं है तो मेरी तरफ से हाँ है। ये मेरी कुछ नहीं है, पक्का पक्का हमारे बीच कुछ भी नहीं है। क्या चाचू अच्छी वाली लड़की हाथ से जाने दी। चुप कहो, चलो अपने रूम में, कल सुबह स्कूल भी है। पता नहीं क्यों पुत्र तेरी बात में ना यकीन करने को मन नहीं कर रहा। शान सच सच बता कौन है ये लड़की। हाँ भैया, और ये बात भी जान लो कि ये लड़की जो है आपके लिए सर्वोत्तम है। शान जैसा तू बोलता है वैसा करती है, चिराग लेके ढूंढेगा ना तो भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। वाह वाह राम जी, चोरी क्या बनाई। कपकेक्स कम हियर। आया ओ जी, सुनते हो, ऊपर आ जाओ। हाँ बाबू जी, मैं वो माँ को देख कर आता हूँ। मैं जरा शर्मिला के साथ नाइट वॉक लेकर आता हूँ। कोई नहीं, यू गाइस कह रही हो क्या? क्या 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 कुछ भी नहीं है हमारे बीच। तो होने देना पुत्र, क्या खराबी है रजनी में। सच कह रहा हूँ पुत्र, ऐसी लड़की ना बहुत मुश्किल से मिलती है। ऐसे इस घर की बहू बनाने के लिए मुझे तेरी माँ से फाइट करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई गल नहीं मैं कर लांगा। दिल से कह रहा हूँ पुत्र, लड़की हो नू हो तो ऐसी रजनी जैसी। अमरीश, मेरी आंखें बंद है इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्या कर रहे हो मुझे पता नहीं चलेगा। ओके हाँ, मैं तो ना बिल्ली की तरह चुपके से जा रहा था ताकि तुम्हें डिस्टर्ब ना हो अपनों। मैं अभी की नहीं कल की बात कर रही हूँ। उस लड़की को खाना खिलाने की बड़ी फिक्र हो रही थी तुम्हें। वो वाली बात है वे। तो ऐसा है सरिली भाई, हम ना किसी गरीब को भी अपने घर से ना भूखा नहीं जाने देते, वो तो फिर भी हमारी मेहमान थी। That's what I'm saying. मेहमान थी। उसे बहू की तरह क्यों ट्रीट कर रहे थे? हाँ? अरे यार तू ना काम खाना अभी एकदम शक्की शक्की हो ही जा रही है। शान ने कह तो दिया कि उनके बीच में वो वाली कोई बात ही नहीं है। बट उस लड़की ने खुद मुझे कहा कि वो शान की बीवी है अमरीश। अब बोलो। चलो एक बार को ये मान लेते हैं कि शान उसको पसंद करता है, तुझे उसे अपनाने में क्या दिक्कत हो रही है बता। अरे मैं क्या, कुड़ी चंगी है, सुशील है, संस्कारी है, खाना अच्छा बनाती है। वो तो पता चल गया। तूने खाया चखा? तुम्हारे खराटों ने बताया, इतना सारा खाना खा के कैसे चैन की नींद सोए थे तुम। हाय क्या नींद आई है आज, पूछ मत। मैं क्या कह रहा हूँ सुरीली, तू ना उस लड़के को एक बारी मिल ले, उसे जांच ले, परख ले। नो क्यों? ओ यार तेरी वजह से ना वो बेचारा शान उसको अपनी बीवी मानने से इनकार कर रहा है, बताऊं? भाई सुरीली मैं क्या कह रहा हूँ, बात को इतना भी मत खींचो, वो लड़की हमारे हाथ से निकल जाए और साथ साथ हमारा लड़का भी। नहीं मतलब उसको फाइनली चौतरफा रिजेक्ट करने से पहले उसको अपने आप को प्रूव करने का एक मौका तो मिलना चाहिए कि नहीं, ताकि शान को भी लगे कि उसकी मां ने चौतरफा विचार करके ये डिसीजन लिया। बट अमरीश वो देव की बहन है, मेरे
मेरा रिजेक्शन तो नेचुरली आ रहा है। अरे वो देव की दूर की बहन है भाई, और उसकी तरह बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं उसे दोबारा नहीं मिलना चाहती, बस दैट्स ऑल। आज अगर तेरे बाबा जिंदा होते ना, तो उन्होंने उस लड़की को पूरी तरह जांचे परखे बगैर रिजेक्ट ही नहीं करना था। मतलब शैतान ए बाबा का नाम लिया और बाबा हाजिर। शायद तुमसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, शायद मेरी बात से सहमत है। अमित ठीक बोलती बाबा? रियली बाबा? ओए अमरीश, बाबा ने कुछ कहा? हाँ, बाबा ने कहा। उधर जाने की जरूरत ही नहीं है यार, तो इधर से आराम नाल बैठ बैठ के बोल, उधर से आराम नाल बैठ बैठ के जवाब देंगे। हमें ठीक बोलती ना बाबा? Oh my God, Homrish, for the first time in your life, तुम सही बोल रहे हो। हमारे बाबा यही चाहते हैं कि मैं उस लड़के से मिलूं। And you know, मैं बाबा की बात नहीं डाल सकती। रे बाबा। ठीक है, अगर बाबा चाहते हैं मैं उस लड़के से मिलूं तो मिलूंगी मैं उस लड़के से। हाँ हाँ, आज ही मिलूंगी। ओके, बट फाइनल डिसीजन डन। चलो जी, हो गई एक्सरसाइज एक्सरसाइज। चलो अब बहू ढूंढने की तैयारी। जी हाँ, चलो जी छेती छेती तैयार हो जाओ बस। बाबा बाबा, ओए पहली बारी मेरा कौवा ससुर मेरे काम आया। क्यों ज्ञान जी? बाबू जी, ओए ओए ओए, हुश हुश, इससे पहले कि तेरी माँ आ जाए, चल भाग जा यहां से। अब देखता हूं कौन रोकता है रजनी को इस घर की बहू बनने से। हुश हुश। Are you serious? क्या कह रहा है? रजनी को तेरी बीवी समझ रहे? Oh my God, I can't believe this shot. वैसे ये तो हेडलाइंस है मेरे भाई, हेडलाइंस। पुरुष ने किया एक रोबो से शादी, शादी, शादी। हो गया, हंस लिया पूरे हफ्ते का तूने। हाँ, अब बता रजनी कैसी है? रजनी? अरे रजनी को क्या होगा? ठीक है, आखिर रोबो है ना बेटा, रोबो। अरे मेरा मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना उसने? अरे नहीं निशान बाबा, आपकी इन्वेंशन कोई गड़बड़ कर सकती है? तो तू कहाँ है? मैं रियलिटी शो जज कर रहा हूँ, माँ के लाइनअप किए हुए ह्यूमन मॉडल्स का। एक से बढ़कर एक लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। ओह, हमारे शान बाबा शादी के लिए लड़की देखने गए हैं। हाँ शान, लेकिन बेटा क्या फायदा, तुझे शादी उसी लड़की से करनी पड़ेगी जिसे तेरी माँ पसंद करेगी। मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है बाय। हाय हाय, प्लीज। देखा रजनी, शान बाबा तुम्हारी सौतन लाने के चक्कर में है। जलन हुई? जलन नहीं हुई, कुपाल है, जलन नहीं हुई। अरे वाह, आंटी का फोन, एक मिनट। आंटी, हमको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि हम सामने से तुम्हें फोन कर रहे हैं। एनीवेज, देखो हम ये चाहते हैं कि तुम तुम्हारी बहन रोशनी को लेके यहाँ पे घर पे आ जाओ। क्या? घर में सब लोग हमको इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमें रोशनी से मिलना चाहिए, और हमको भी ऐसे लग रहा है कि रोशनी को एक फेयर चांस देना चाहिए। सच में? हाँ, हमारे शान के लिए। तुम अभी के अभी रोशनी को लेके यहाँ पे आ जाओ। ओके, अभी? यस, हम रोशनी को अपने तरीके से परखेंगे और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं या नहीं। ओके आंटी, ओके बाय। मारा शान।